तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे 30 के बाद जितने भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बचा था, हम लोग 1 से 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। जो लोग नहीं देखे जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा दोस्तों, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग दिए होंगे ना, तो मॉडल सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग समझते चलेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो लेकर आएंगे उसके बाद जो दो और वीडियो आने वाला है दोस्तों, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का भी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, नया वीडियो का। और आंसर की भी जब कल लेकर आएंगे तो आप लोग मिलाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि रूट अंडर एक्स डी एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन बोला जा रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे छात्र जो है घबरा जाते हैं, जिसको इंटीग्रेशन सब नहीं आता है दोस्तों। तो देखिए, इसको कैसे बनाना है हम बता देते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग देखोगे ना रूट एक्स, तो इसको बदल लेना है, ठीक है। एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों, रूट अंडर का वैल्यू 1/2, और अगर रूट क्यूब रहता है तो 1/3 लिखते हैं। तो इसी तरह से रूट अंडर एक्स है तो 1/2, और उसके बाद इंटीग्रेशन डी एक्स। अब तो ईजी हो गया, एक्स के पावर एन वाले फार्मूला से आप लगाओगे तो ये बन जाएगा ना, एक्स के पावर n+1/(n+1) और प्लस सी, यही वाला फार्मूला होता है ना दोस्तों। तो ये वाला अगर फार्मूला पे बैठाओगे ना, तो देखिए एक्स के पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना, तो एक्स के पावर 3/2 / 3/2, ये 3/2 को हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा दोस्तों, एक्स के पावर 3/2 अब प्लस के या फिर सी। तो देखिए किस ऑप्शन में 2/3, तो ये इस ऑप्शन में 2/3 और एक्स के पावर 3/2 प्लस के, तो ये आपका 30 का सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। 1 नंबर में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, कि हार्ड तो थोड़ी पूछेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए 31 देखते हैं। अगर इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे, और वीडियो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यूट्यूब, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे 31 नंबर देखते हैं कि साइन एक्स डी एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन, और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये सभी इनडिफिनिट था, तो डिफिनिट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में है ना साइन एक्स डी एक्स का, तो इसको आप लोग वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा इसका वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे -cos x, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे साइन एक्स का -cos x जैसे ही लिखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए -cos x, उसके बाद इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो 0 से π/2 के बीच में ये आपको वैल्यू देना पड़ेगा। तो देखिए -cos x और एक्स के जगह पर π/2, फिर बीच में माइनस और -cos, फिर 0, ठीक है। तो cos π/2 के कितना मान होता है दोस्तों, 0, क्योंकि साइन 0 तो cos 90° के बराबर, तो 0, और -cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस इधर -1 हो जाएगा, तो 0 में से आ गया, तो इसका इसका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 31 का, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 1 के बराबर, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि साइन के जगह पर cos भी पूछा जा सकता है, tan भी पूछा जा सकता है, तो अगर एक बार आप समझ जाओगे ना तो आसानी से बना लोगे। पहले क्या करना दोस्तों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे डाल देना, तो साइन एक्स का होता है -cos x, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में इसको आपको वैल्यू देना है। तो देखिए 0 से π/2 के बीच में अगर वैल्यू देंगे ना, तो -cos π/2, और बीच में माइनस का साइन लगता है, और -cos x तो है ही, तो -cos 0°, एक्स के जगह पर 1 बार π/2, 1 बार 0, तो cos π होता है 0, तो -0, फिर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस लगाओ, तो -cos 0 1। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा जाएगा, तो +1 आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का बी, बहुत ही सिंपल था दोस्तों। फिर आता है e^x dx का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये भी बहुत सिंपल है। e^x का वैल्यू जब अगर निकालोगे ना आप लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा दोस्तों e^-1, क्योंकि e^x का e^x ही होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। और देखिए e^x देखिए कैसे बनेगा, एक बार समझ ही लेते हैं हम लोग। e^x और यहाँ पर 0 से 1, ठीक है। तो देखिए e^x में क्या होता है, e^x के जगह पे एक बार हम 1 रखेंगे, फिर e^0 रखेंगे, तो e^1 e ही होगा, और e^0 किसी भी पावर के 0 रखते हैं तो ये 1 के बराबर आता है ना, तो e^-1, तो से उत्तर यहाँ पे आपका 32 का सी हो जाएगा। समझते हुए चलेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, आगे के वीडियोज पाने के लिए। 33 है कि समीकरण dx/x = dy/y का हल है,
द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन वाई इज। तो इसका जो हल जो हो जाएगा दोस्तों सोल्यूशन, तो ये आ जाएगा आपका सही उत्तर एक्स बराबर कॉन्स्टेंट ऑफ वाई, ठीक है, किसी भी यहाँ पे तो एक्स बराबर वाई इसका वैल्यू आ जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन यहाँ पे डी एक्स अपन एक्स बराबर डी वाई अपन वाई जो इसका हल हो जाएगा ना, तो यही आएगा दोस्तों आप लोग हल करोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 34 है कि अवकलन समीकरण, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशिएशन होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे एक इंटीग्रेशन होता है एक इंटीग्रल इक्वेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई का हल है। तो देखिए उसी तरह से है ना सेम क्वेश्चन, ये कॉस एक्स प्लस डी एक्स प्लस कॉस वाई बराबर कॉस वाई डी वाई बराबर जीरो, तो इसका जो हल निकालोगे ना दोस्तों तो ये हल आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई। सभी को आपको डिफ्रेंशिएशन निकाल देना है, तो देखिए कॉस एक्स का साइन एक्स फिर कॉस वाई का साइन वाई, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 34 का बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 35 है कि ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई बराबर जीरो है। तो देखिए सेम ई एक्स क्या होता है दोस्तों, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही, ई वाई का ई वाई ही होगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई बराबर के सेम तरह से था कॉस एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स लगा हुआ था ना, तो हम क्या किए थे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकाल के दोनों को के बराबर कर दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे ई एक्स प्लस ई वाई बराबर के, तो 35 का ए। 36 जो है दोस्तों क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यू का समाकलन गुणक है। ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है यहाँ पे। तो इसका अगर वैल्यू निकालोगे ना आप लोग, तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ई के पावर एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, ये जो आपका बी ऑप्शन है दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का बी क्यों आएगा दोस्तों, ये अगर इसको निकालोगे ना तो ये आ जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर, ठीक है, अगर डिफरेंशियल इसका निकालोगे तो इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा आपको। अब जो है ना 60 ऑब्जेक्टिव किया गया है जिसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना है, 51 का जवाब दोगे तो शुरू का 50 का चेक होगा सिर्फ, ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपको लगे कि हाँ 100% उस पर कन्फर्म है वही आपको टिक मारना है, मतलब रंगना है, ठीक है, ओ एम आर को और अच्छी तरह से रंगना है। लॉग एक्स डी एक्स, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, इसका जो आ जाएगा ना एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि नहीं 1/x होगा, नहीं दोस्त, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, अगर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे ना तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आता है, ठीक है, प्लस के, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 38 है कि डी एक्स मतलब 1/1 + x² डी एक्स लगा हुआ है इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है दोस्तों, तो अगर याद होगा आप लोगों को तो देख के ही समझ गए होंगे, तो ये होता है टेन इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, ठीक है, 1/1 + x², तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 38 का ए हो जाएगा। 39 जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह के एक बार आप समझ लीजिए, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, क्या होता है आई वेक्टर का मोड, आई वेक्टर का मोड आपको अगर पूछा जाए बराबर जे वेक्टर का मोड अगर पूछा जाए बराबर के वेक्टर का अगर मोड पूछा जाए तो सबका वैल्यू एक के बराबर होता है, याद रखिएगा यहाँ पे आए है तो कल आपको जे पूछा जा सकता है के पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और एक वैल्यू रखिएगा बराबर एक, किसी भी वेक्टर का मोड एक होता है, ठीक है, तो सही उत्तर 39 का बी। 40 जो है देखिए इसमें भी हम लोग कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं दोस्तों, देखिए आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, ठीक है, बराबर क्या होता है इसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का आपका बी आ जाएगा दोस्तों, आई डॉट आई बराबर कितना 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का बी हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे छात्र यहाँ पे मतलब भूल जाते हैं आई डॉट आई में क्या होगा, आई क्रॉस आई में क्या होगा, फिर आई डॉट जे में क्या होगा, आई क्रॉस जे में क्या होगा, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार फॉर्मूला में वेक्टर एंड थ्री डी वाले में, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, और ये सभी क्वेश्चन में अगर आप लोग गवाओगे नंबर तो समझ लेना कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे 41 है कि आई क्रॉस आई, देखिए आई डॉट जे बराबर मैंने बताया ही आपको, और यहाँ पे आ गया आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई बराबर क्या होता है 0 के बराबर आता है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी, अगर यहीं पे आई क्रॉस
जे रहता है ना तो के आ जाता है यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, आई क्रॉस आई बराबर जीरो। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं हम लोग कि यदि जीरो मूल बिंदु हो, क्या है ओरिजिन है दोस्तों जीरो यहाँ पे ओ, और एक बिंदु ए की स्थिति सदिश है 2 3 4 हो तो ओ ए वेक्टर, अगर ओ ए वेक्टर यहाँ पे बोला जाए तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, नहीं सही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 2i वेक्टर + 3j वेक्टर + 4k वेक्टर, ये जो आपका यहाँ पे 42 का सही उत्तर है ना दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। 2i वेक्टर + 3j वेक्टर + 4k वेक्टर, तो 42 का सही उत्तर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी में आपको सिर्फ क्या करना है, i वेक्टर + j वेक्टर + k वेक्टर लगा देना है, तो आपका आंसर आ गया। 43 है कि i वेक्टर + 2j वेक्टर + 3k वेक्टर बराबर क्या होता है, तो i वेक्टर + 2j वेक्टर + 3k वेक्टर अगर निकालेगा तो सभी का मॉड निकाल लेना, बहुत ही सिंपल, मतलब स्क्वायर करके 1² + 2² + 3² तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14, तो रूट अंडर 14 सही उत्तर। तो 43 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 है दोस्तों, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट लगा हुआ है ना, डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल होता है आप लोगों को, तो यहाँ पे क्योंकि i.i बराबर क्या मैंने बताया था 1, तो 2 3 6, फिर आता है दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो 3 चौके 12 तो -12, फिर यहाँ पे 4 चौक 4 5 20 तो -20, इसको -20 और -12 तो -32 + 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -26, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे -26, बहुत ही ईजी था ये, और पूछता है वेक्टर एन 3D से, ठीक है। फिर आता है 45 नंबर की, वाई अक्ष के दिक को जाए हैं, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वाई एक्सिस आर, बहुत ही सिंपल है, इसका एक ट्रिक बता देता हूँ अगर याद नहीं रहता है तो, अगर जो आप लोगों को पूछा जाए ना दोस्तों उसको वैल्यू 1 रख लेना है, क्या होता है आप लोग XYZ होता है ना दोस्तों, तो जिसका वैल्यू वाई अक्ष का बोला जा रहा है ना तो वाई अक्ष को 1 रख लेना है और बाकी को 0 0 दे देना है, ठीक है। अगर वाई अक्ष का सॉरी जेड अक्ष का पूछता तो जेड XYZ के जगह पे यहाँ पे 1 देते और 0 0 देते, अगर एक्स अक्ष का पूछता तो एक्स के जगह पे 1 देते और 0 0 देते, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं हम, तो यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा। तो 45 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 46 देख लेते हैं हम लोग कि L1 M1 और N1 तथा L2 M2 तथा N2 दिक को जाए वाली दो सरल रेखाओं के समानांतर होने के लिए शर्त है, एक होता है दोस्तों लंबवत होने के लिए शर्त और एक होता है आपको समांतर होने के लिए शर्त। तो समांतर होने के लिए शर्त जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2, सभी का यहाँ अनुपात जो है ना बराबर होगा, ठीक है, मतलब रेशियो, ये समांतर होने के लिए शर्त है, ठीक है। अगर यही आपको पूछ दिया जाए दोस्तों कि मतलब परपेंडिकुलर होने के लिए, लंबवत होने के लिए शर्त, सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, अगर इस बार आप लोगों को लंबवत वाला पूछ दिया जाए तो हो सकता है अगले बार समांतर वाला पूछ दिया जाए, अगर समांतर वाला इसमें पूछा गया है तो हो सकता है लंबवत वाला पूछ दिया जाए। तो लंबवत वाला भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मतलब परपेंडिकुलर होने के लिए दो सरल रेखाओं को, तो ये हो जाता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर रहता ना समांतर के जगह पे तो ये आप ये इक्वेशन मारते सही, ठीक है, इसका हल होता है दोस्तों। लेकिन आप लोग शर्त दिया जाता है तो याद कर लीजिएगा, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर रहता तो, लेकिन यहाँ पर समांतर है तो इसका आप लोग को राइट आंसर सी हो जाएगा, L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2, ये सभी का रेशियो समान होता है, ठीक है, समांतर होने के लिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 47 नंबर कि x + 2y + 3z + 5 = 0 के समांतर एक तल का समीकरण है, क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, ये जो इक्वेशन दिया गया है दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, इसका आंसर ए या फिर डी दोनों में से कोई होगा, ठीक है, या फिर नहीं आ रहा था, तो इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों इसका हल निकाल के, ठीक है, या फिर मैं तो थोड़ा देर में इसको आंसर दे ही दूंगा, तो आप लोग अगर बनाना जानते हो इसको सही तरीका सही आंसर बताओ कमेंट में। 47 का, चलिए 48 देखते हैं, वाई जेड तल के समांतर तल का समीकरण है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर वाई जेड तल के समांतर तल का अगर समीकरण पूछा जाए दोस्तों आप लोगों से तो ये हो जाएगा x = k, अगर यही पूछ दिया जाए एक्स वाई तल का तो जेड बराबर के, अगर पूछ दिया जाए एक्स जेड का तो वाई बराबर के, बिल्कुल ईजी, जो आप लोगों को दिया है उसको छोड़ के एक्स बराबर कॉन्स्टेंट रख लेना है, तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का ए हो जाएगा, 48 का ए। चलिए
49 देखते हैं हम लोग कि यदि ए और बी दो स्वच्छ घटनाएं हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी का, मैं बताता हूँ अभी। इफ़ ए एंड बी बी टू ऑर्बिट्री ऑर्बिट्रेरी इवेंट्स, मतलब स्वच्छ घटनाएं हैं जहाँ पे ये दिया गया है, और देन जो है ना पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी का, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए पी ए पी बी बाई ए, ये जो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक दो फार्मूला होता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, पी ए यूनियन बी, पी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया, तो पी ए यूनियन बी का आपको पूछ दिया जाए, तो उसको भी आप लोग देख लेना है, ठीक है। ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ईजी रहते हैं, और नंबर छोड़ना नहीं है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल रहेंगे। फिर आता है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो तो उसे कहते हैं। देखिए द फंक्शन इन ऑल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हुज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हैज़ टू डिटरमाइन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, मतलब उद्देश्य फलन बोलते हैं। सही उत्तर यहाँ पे 50 का ये हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट के आधार पर कर रहे थे दोस्तों। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए इस तरह के इस चैनल के मदद से, तो कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए फटाफट, जल्द ही हम लोग वीडियो लेकर आते हैं। और इंग्लिश का भी चाहिए तो एक से दो वीडियो और आने वाले हैं, इंग्लिश का भी और मैथ का भी, तो दो वीडियो और भी मैं अपलोड करूँगा अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए इस चैनल को, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, लाइक तो ज़रूर करना आप लोग, ठीक है, तभी आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा सब्सक्राइब करने के बाद।